Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome to AK Education Official Group Social Science. So my dear student, आज हम क्लास 7 MCQ सेशन चैप्टर वाइज कर रहे हैं. आप लोगों को जैसे ही कि पता है कि चैप्टर 1-5 हम करा चुके हैं, आज हम चैप्टर 6 करेंगे जो कि NCERT क्रिस्टल एंड क्लियर सीरीज में है. आप लोगों को पता है, अगर जिसे नहीं पता है कि हम मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर वाइज, और ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे हम MCQs लेकर आते हैं आप लोगों के लिए. ये वीडियोस आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी. साथ ही साथ अगर आप स्कूल मेट हैं तो स्कूल में आपकी जो चैप्टर हैं, क्लास है, सेशन है, वहाँ पर हेल्प करेगी आपको डेफिनेटली. तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें. और सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे वीडियो को पॉज करें, देन आप उसमें सेलेक्ट जो करेक्ट कोड है या फिर इनकरेक्ट कोड है वो देखना है कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है. अगर आपसे करेक्ट क्वेश्चन पूछा है देन आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से करेक्ट है. देन आपको नीचे कोड दिए होंगे तो आप उन कोड को सही करेक्ट करें, ठीक है. तो चलिए आज की वीडियो आपको स्टार्ट करते हैं. और क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले आप वीडियो पॉज करेंगे और फिर उसे रीड करेंगे, देन उसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. परमानेंट विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सीजनल विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन. लोकल विंड्स ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एयर. तो स्मॉल एरिया में हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी 3 टाइप्स की विंड्स हैं, कौन कौन सी है. परमानेंट विंड्स जो कि हमारी ईस्ट टू वेस्ट चलती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंटली विंड्स. सीजनल विंड्स जो कि हम देखते हैं अपने इंडिया में मॉनसून, ठीक है. और लोकल विंड्स जैसे कि लू, चिनोक वगैरह देखते हैं, वो हमारी कहलाती हैं लोकल विंड्स. सो हमारा स्टेटमेंट्स जो हैं तीनों ही करेक्ट हैं. तो हम यहाँ पर देखते हैं ए बी 1, 2, 3 इज़ अ करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी पर हम जाएंगे. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर. सो सम एग्जाम्पल ऑफ विंड्स आर परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली, सीजनल विंड्स, मॉनसून इन इंडिया, लोकल विंड्स, लू एंड चिनोक, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ह्यूमिडिटी इज ए मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम. क्लाउड्स आर मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमोसफियर. सो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी इज़ द करेक्ट. बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर. सो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर इट्स ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमिड डे. द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स. सो क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एज द एयर गेट वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर डिक्रीजेस. आर यू एग्री विद दिस डिक्रीजेस. वेन द गेट कूल इट कैन contain more quantity of water vapor. So statement number neither 1 nor 2 is the correct answer. So option number D is the correct, because जो हमारे capacity to hold है water vapor warmers के time में, जब air जो है गर्म हो जाती है तो जो water को hold करने की capacity है वो decrease ना होकर increase हो जाती है, ठीक है. And when the air get cool it can more quantity of water condense. तो more नहीं होता, less quantity हो जाती है. जैसे ही water air जो है वो heavy हो जाती है तो उसकी capacity करने की वो decrease हो जाती है, ठीक है. तो ये vice and versa है. So statement number both are incorrect. So neither 1 nor 2 is a correct answer. As
एयर गेट वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेस एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिडिट. When the water vapor rises, it start cooling. When the air gets cool, it cannot retain more quantity of water. The water vapor condense, causing formation of droplet of water. When these droplets of water become too heavy to float in air, and they come down and precipitation. Now, question number 64. On a humid day, clothes take longer time to dry, and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. Which of the following is the reason of the phenomena? तो हमें यहाँ पर देखना है, जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, जो स्वीटिंग होती है वो इवेपरेट नहीं होती है, तो वो किस चीज़ की वजह से होती है, क्या रीज़न है? सो एयर गेट वार्मर नोट It gets cool, it's absolutely not. And moisture increases, yes, it's absolutely right. So moisture जो है वो जब increase हो जाता है तो ये phenomena हमें देखने को मिलता है, ठीक है. So option number C is a correct. So यहाँ पर बी बी दो option बार बार दो बार दे चुके हैं गलती से, तो आप इसे C कर लेना और जो last वाला है उसे D कर लेना, ठीक है. So option number C is a correct answer. As the air gets warmer is a capacity to hold water vapor increases and it so become more and more humid, therefore moisture in the atmosphere increases. Similarly, when jet flying in the sky leave a white trail behind them, the moisture from the engine condense, so we can see trailed snow of this condensed moisture from the some time. तो हमें यहाँ पर कब देखते हैं, जब एयरप्लेन चलता है तो उसके पीछे से कुछ धुआं धुआं से निकलता है, वो चीज़ें देखते हैं ना, तो ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन 65 क्वेश्चन नंबर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड रेन. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर. सो स्टेटमेंट नंबर इज बोथ आर करेक्ट. सो हमारा जो आंसर होगा वो 3 इज अ करेक्ट आंसर. रेनफॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग. इट्स ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रेनफॉल. सो हमें टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखने हैं. कन्वेंशनल रेनफॉल, येट्स एब्सोल्युटली राइट. ओरोग्राफिक रेनफॉल, येस. सरफेस रेनफॉल एंड साइक्लोन रेनफॉल. सो हमारा जो सरफेस रेनफॉल है वो नहीं है. अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3 को हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो 1, 2 एंड 4 रहेगा, और जो ये 1, 2, 4 है वो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है. हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन आंसर जो है हमारा वो सी रहेगा. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल. फर्स्ट कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोन रेनफॉल एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल, ये देखने को मिलते हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट फॉर्म एंड सर्कुलेटेड बिटवीन ओशन, एटमोसफेयर, लैंड ऑल्सो. सो हम इसमें जाएंगे कंडेंसेशन, evaporation, precipitation and water cycle. So option number D is a correct answer. Answer is water cycle. Water cycle, the process by which continually changes its form and circulating between ocean, atmosphere, land is known as water cycle. The sun heat causes evaporation of water vapor. When the water vapor cool down, it condense and form clouds. From there it fall on the land and sea precipitation. Therefore, evaporation, condensation and precipitation are the part of water cycle. तो answer जो है हमारा वो सी रहेगा. So question number 68. Our earth is like terrarium. Which of the following explain the meaning of the terrarium? तो जो terrarium है ये हमने जब class में पढ़ा था तो बहुत अच्छे से देखा था, ये आप लोग को याद है तो इसका answer दें. It is an artificial enclosure for keeping small house plant. It is a natural enclosure for keeping small house plant. It is a surface, it is a
structure surrounding by mixture of gas. It is a body having evidence of water in universe. So जो हमारा last का option है वो D है. तो हमारा correct answer जो है रहेगा वो रहेगा A. It is an artificial enclosure for keeping small house plants. ठीक है. So our earth is a like terrarium. It is an artificial enclosure for keeping small house plants. The sealed enclosure combined with the heat entering the terrarium allow for the creation of a small scale water cycle. Therefore, some example, some water existing centuries ago still exists in today. So last question देख लेते हैं, last one. Which of the following are the sources of fresh water? Fresh water के sources है statement number 1 river, 2 ponds, spring, glacier and sea. So हमारा अगर हम सी को और स्टेटमेंट नंबर एलिमिनेट करते हैं 5 को, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 1, 2, 3 and 4 रहेगा. So हमारा आंसर रहेगा 1, 2, 3 and 4. That means answer C is the correct answer. Now the major source of fresh water are river, ponds, spring, glacier. The ocean bodies and few contain salty water. It contain large amount of dissolved water. Water cycle replenished the fresh water on land. That means all are fresh water. ठीक है. Last question is today class. Thus consider the following statements. Salinity is amount of salt in a gram present in 1000 gram of water. Yeah, it is absolutely right. The average salinity of the ocean is 45 per 1000. So it is not correct because 45 per 1000 नहीं है, 35 है. ठीक है. तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ओनली ए इज अ करेक्ट आंसर रहेगा. सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपने आपको वीडियो पसंद आ रही है, देख लग रहा है कि फ्रूट्सफुल है, तो आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, और लाइक करें एंड कमेंट्स बॉक्स में करें, और उन वीडियो ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाएँ जिसे इसकी ज़रूरत हो. सो थैंक यू सो मच.